रायगढ़ जिले के तमनार में साहू समाज द्वारा सामाजिक उत्थान हेतु एक अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें समाज के जिला व तहसील पदाधिकारियों ने भक्त माता कर्मा की पूजा आरती कर कार्यक्रम की शुरुआत की। वहीं पूजा अर्चना के बाद समाज के पदाधिकारियों ने गरीब व निशक्त जनों को वस्त्र दान भी किया। जिला साहू समाज रायगढ़ द्वारा सामाजिक उत्थान हेतु अभियान चलाया जा रहा है। इसी तारतम्य में 30 अक्टूबर को तमनार तहसील अंतर्गत ग्राम जीवरी में साहू समाज द्वारा गरीब निशक्त जनों की सेवा के उद्देश्य से समाज जिला व तहसील पदाधिकारियों के साथ सैकड़ों निवासी की उपस्थिति में भक्त माता कर्मा की पूजा आरती का कार्यक्रम रखा गया था, जिसमें जिला साहू समाज पदाधिकारी, तहसील पदाधिकारी, परिक्षेत्र पदाधिकारी के उपस्थिति में भक्त माता कर्मा की पूजा आरती की गई। उसके पश्चात गरीब व निशक्त जनों को वस्त्र दान कर एक नया आयाम समाज के द्वारा प्रस्तुत किया गया। जिला साहू समाज अध्यक्ष महेश राम साहू द्वारा बताया गया कि जिले भर में समाज की उन्नति व समाज के लोगों को जागरूक करने के लिए कई योजनाएं प्रारंभ की गई है। चाहे वह शिक्षा प्रोत्साहन के तहत मेघावी छात्रों को प्रोत्साहित राशि हो, चाहे समाज में परिचय सम्मेलन, इसने सम्मेलन को हमारा उद्देश्य जन जागृति लाना है और समाज को अग्रणी बनाना है। उन्होंने यह भी बताया कि समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के बच्चों को जिला स्तर में शिक्षा प्रदान करने हेतु समाज के द्वारा कलेक्टर ऑफिस के नजदीक मरीन ड्राइव पर साहू समाज का करोड़ों की लागत में भवन का निर्माण किया जा रहा है, जहां अपना शिक्षा अध्ययन या प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए आवास सुविधा निशुल्क प्राप्त कर सकते हैं। ग्राम जीवरी में कार्यक्रम कराए जाने का उद्देश्य परिक्षेत्र सचिव बंसी साहू द्वारा बताया गया कि कमजोर वर्ग के लोगों का सेवा भाव और साहू समाज को जिले में सेवा के क्षेत्र में आगे लाने के लिए वस्त्र दान का कार्यक्रम रखा गया, जिसमें आज सैकड़ों निशक्त लोगों को वस्त्र दान किया गया। ज्ञात हो कि जिले में साहू समाज एक संगठित व सशक्त समाज के रूप में उभर कर आगे आया है। भक्त माता कर्मा की विशाल मंदिर सत्यनारायण बाबा धाम कोसम नारा रायगढ़ में स्थित है। जिला रायगढ़ के अंतर्गत तहसील तमनार में सरायपाली परिक्षेत्र ग्राम जीवरी में वस्त्रदान का जो यह कार्यक्रम रखा गया है, निश्चित ही समाज के लिए एक ग्रामीण क्षेत्र में जो हमारा समाज रहता है उनके जीवनचर्या और उनकी जो एक सोच है उस सोच को बदलने के लिए बहुत सराहनीय कार्यक्रम है जो आज ग्राम जीवरी में यह कार्यक्रम रखा गया। यह कार्यक्रम तो शहर स्तर पे ही होता था, लेकिन आज ग्रामीण क्षेत्र में देख के निश्चित ही साहू समाज में यह सभी जगह प्रचार प्रसार होगा और समाज एक अच्छी सोच के ऊपर आगे बढ़ेगा। जो भक्त माता कर्मा का जो पूजा आरती का कार्यक्रम है वो रायगढ़ जिला में और भी कई जगह हो रहा है या बस अभी जीवरी में होता है? भक्त माता कर्मा का जो आरती है ये रायगढ़ शहर से शुरुआत होकर के आज परिक्षेत्र और गांव-गांव स्तर पे ये भक्त माता कर्मा का आरती होता है और इस आरती के माध्यम से भी समाज में एकजुटता होती है। जिला साहू संघ का प्रयास है कि हमारा पूरे जिले भर में साहू समाज के उन्नति और बेहतरी के लिए पूरी तरह से हम लोग जन जागरण अभियान चला रहे हैं, चाहे प्रतिभावान छात्र छात्राओं के सम्मान समारोह का माध्यम हो या विवाह योग्य युवा युवति परिचय सम्मेलन का माध्यम हो या स्नेह सम्मेलन के माध्यम हो या श्री श्री सत्यनारायण बाबा जी का स्थापना दिवस के माध्यम से हो या अन्यान्य प्रकार के जन जागृति वाला कार्यक्रम और समाज में बड़ी बड़ी सभा सम्मेलन करके हमारे समाज में एक नया ऊर्जा उत्पन्न हो, नया जज्बा उत्पन्न हो, इस तरह से हम लोग कार्यक्रम कर रहे हैं और हमारे समाज के सभी कनिष्ठ और वरिष्ठ जितने भी पदाधिकारी हैं, जितने भी आम स्वजन हैं, उनका एक अहम भूमिका के साथ में हमें मार्गदर्शन मिलता है और उनके मार्गदर्शन के माध्यम से ही आज समाज में कुछ कर गुजरने की मन में एक जिज्ञासा लेकर के चल रहे हैं। और जैसे कि अभी आपके रायगढ़ में हमारे साहू समाज का एक विशाल भवन लगभग 1 करोड़ की लागत से साहू समाज के समस्त स्वजनों का एक विशेष सहयोग के माध्यम से वह भवन का निर्माण हम लोग पूरा कर रहे हैं। वह भवन 1 करोड़ की लागत से बन रहा है, लगभग 30 लाख रुपए की खर्च अभी तक हो चुका है। तमनार से आत्माराम साहू की रिपोर्ट, ACN 20।